कल अमृतसर के DAV पब्लिक स्कूल नूं उड़ान की धमकी दी गई सी, तो उस तो बाद बहुत सारा पैनिक जरा है लोगों च क्रिएट होया। लेकिन अज असी स्कूल के बाहर खड़े हाँ तो तुहानूं जमीनी हालात दिखा रहे कि किस तरीके दे नाल जिहड़ी एक आतंकी हमले की जिहड़ी एक धमकी दी गई सी, तो उस तो बाद हालात की ने तो तुसीं वेख सकदे हो कि पुलिस वल्लों स्पैशल फोर्स जिहड़ियां ने इत्थे तैनात की गई ने, जिहड़े ब्लैक कैट हुंदे ने पुलिस के जिहड़े फोर्स से वह इत्थे तैनात किए गए ने, उसकी तस्वीर साझी कर रहे हैं। तो नाल ही नाल स्कूल का स्टाफ भी इत्थे खलोता है, क्योंकि स्कूल के स्टाफ नूं अपने बच्चों की पछाण हुंदी है कि किहड़े बच्चे जिहड़े ने उन्हां दे स्कूल दे ने या नहीं ने, इस तरह की पछाण हुंदी है। तो उस तो पहलां पूरी प्रॉपर चैकिंग अज जिहड़ी स्कूल दे बाहर की जा रही है, तो तस्वीरां तुहानूं असीं साझियां कर रहे हैं अमृतसर के DAV पब्लिक स्कूल दीआं ने। तो DAV पब्लिक स्कूल जो कि रात का सब तो ज़्यादा इस वेले जिहड़ा है लोगों का चर्चा का विषय बनया होया है, तुसीं उत्थे देख सकदे हो कि किस तरीके दे नाल सिक्योरिटी लगाई गई है पंजाब पुलिस वल्लों। राती स्पैशल जिहड़े फोर्सिस जिहड़ियां इत्थे तैनात कीतियां गईआं सी, इस करके तैनात कीतियां गईआं सी कि अगर कोई भी घटना वापरदी है तो उसनू मूँह तोड़ जवाब देने वास्ते पंजाब पुलिस पूरी तरह तैयार है। तो तुम वेख सकते हो कि दूसरे पास अज मापे जिहड़े ने अपने बच्चों छड्डन वास्ते आ रहे हैं, क्योंकि अज स्कूल दे विच गिनती बच्चों की घट है, क्योंकि जिस तरीके दे नाल कल रात का पैनिक क्रिएट होया सी, तो उस तो बाद जिहड़ा है हुण लोगों कुछ डर फैल गया सी, तो उस तो बाद हुण तुसीं वेख सकते हो कि कड़े सुरक्षा प्रबंधा हेठ जिहड़ा है स्कूल नूं खोलिया जा रहा है। तो तकरीबन असीं तुहानूं दिखा रहे हैं कि बच्चे जिहड़े स्कूल दे अंदर जा रहे हैं, उन्हां दे मापे जिहड़े ने उन्हां नूं छड्डन जा रहे ने, उस पूरी उन्हां दी बकायदा तौर दे उत्ते इत्थे बच्चों जिहड़ा है वेख्या जा रहा है कि कोई बच्चा इदां दा नहीं है। तो तुहानूं दसना चाहांगे दो पोस्टां सीगियां, एक पोस्ट दे विच साफ तौर पर लिखा गया सीगा कि स्कूल दे विच जिहड़ा है फायरिंग की जा सकती है, तो 8 सितंबर की डेट भी दी गई सी, तो उस 8 सितंबर की डेट तो पहला जिहड़ा है पूरा इत्थे है। तो तुहानूं इह वी दिखा रहा तस्वीर, तुसीं देख सकते हो कि एक माँ अपने दोवें बच्चों स्कूल छड्डन वास्ते आ रही है और स्कूल का स्टाफ भी बाहर खड़ा है, तो बच्चों जिहड़ा है कड़े सुरक्षा प्रबंधा हेठ अंदर भेजन की काम किया जाता है। एक पासे जिथे स्कूल का स्टाफ तो पुलिस का स्टाफ है, दूसरे पासे स्कूल के अंदर की गल करिए अंदर दे विच भी जिहड़ा स्कूल का परसनल स्टाफ लगा होया है, जिहदे विच कुछ मैनेजमेंट के बच्चे ने होर भी जिहड़े ने, तो कुछ स्कूल के अधिकारी भी इत्थे खलोते ने। और स्कूल दे विच अज किस तरह के प्रबंध ने, तुसीं अक्सर स्कूल जाते सी जो बच्चे स्कूल जाते सन तो किस तरह के हालात, लेकिन अज जिहड़े मापे ने इत्थे खड़े ने, तो उस तो बाद कुछ मापिआं नाल गलबात करांगे। सर की कहना चाहोगे? सर मैनूं पता नहीं हैगा, प्लीज़। तुसीं वेख सकदे हो कि कुछ लोग गल करने तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके दे नाल पोस्ट जिहड़ी वायरल हुई सी, तो उस तो बाद बहुत सारा जिहड़ा है सवाल खड़े हुए सन कि आखिरकार इस तरह की पोस्ट क्यों। तो हुण जिहड़े है सुरक्षा कवच तुहानूं उह दिखा रहे हैं कि स्कूल खुलन का समा है, तो उत्थे किस तरह की सिक्योरिटी टाइट की है, तो पंजाब पुलिस के जिहड़े जवान इत्थे तैनात किए गए हैं। तो वेख सकते हो अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला अंदर जा रही है तो उसनू बकायदा तौर पर पूछताछ की जा रही है कि उनका मकसद की सी। तो ये इत्थे जिहड़ा है नवी डिवेलपमेंट हुंदी हुई नज़र आ रही है कि जिथे कि तुसीं देख सकते हो कि अज ज़्यादातर स्कूल बच्चे छुट्टी ते ने, जिहड़े ऑटो जिहड़े पूरे भर भर के आते सी उत्थे भी उन्हां दी गिनती अज घट है। तो स्कूल दे विच तुसीं वेख सकते हो कि इस तरह नहीं जान दिता जा रहा, या कुछ जिहड़े स्कूल दे अपने कर्मचारी है केवल उन्होंने ही अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। स्कूल का जिहड़ा स्टाफ तुसीं सिविल वर्दी देख रहे हो, यह स्कूल का स्टाफ है जो कि अपने बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं, तो बच्चों को किस तरीके नाल अंदर लैके जाया जा रहा है, क्योंकि विद्या का मंदिर है। पर इस विद्या के मंदिर को जिस तरीके नाल उड़ान की गल की गई सी, जिस तरीके नाल आतंकी हमले की गल की गई सी, वो अपने आप से सवाल खड़े करते सन। तो वो तुहानू असीं दिखा रहे हैं कि पूरा इस वक्त, क्योंकि एक स्कूल जिहड़ा है एक रिहायशी इलाके है, तो उस रिहायशी इलाके करके एक शहर का VIP स्कूल मनिया जाता है, पौश स्कूल मनिया जाता है। तो उत्थे कुछ इस तरह के हालात ने कि अज स्कूल दे विच जिहड़े ऑटोज़ ने वो भी बच्चे जिहड़े ने बहुत घट आ रहे हैं, क्योंकि कल रात तो ही कुछ इस तरह की अफवाहां फैल रही सी, चाहे रात को पुलिस के अधिकारी मौके पर पुजे सन, लेकिन उस तो बाद भी जिहड़ा है कुछ लोग जिहड़े ने अपने बच्चों को स्कूल भेजते नज़र नहीं आए। कुछ लोगों नाल गलबात करन की कोशिश करांगे कि आखिरकार उन्हों का की कहना इस पूरे मामले के उत्ते, लेकिन जिस तरीके दे नाल हुई है उस घटना तो बाद स्कूल के हालात की ने। इस तो अलावा तुहानूं एक होर चीज़ दिखाने कि जी है बुलेट प्रूफ जी गड्डी इत्थे तैनात कर दी गई है, ये अक्सर उस तरह के ऑपरेशन के तैनात की जाती है, जिस दे विच कि जिहड़ा है कि अगर कोई हमला हुंदा है तो उस नाल किस तरीके का मुकाबला किया जाएगा, तो उस हमले का मुकाबला करने वास्ते पुलिस वालों तैयारी पूरी खींची गई, चाहे महज एक अफवाह है, लेकिन इस अफवाह के नाल ही जिस तरीके पुलिस की सिक्योरिटी वधी, किस तरीके पुलिस ने अपना इत्थे तंत्र तेज किया, उसकी तस्वीर असीं तुहानूं लगातार साझी कर रहे हैं। तो तुसीं वेख सकते हो कि इस वेले कुछ मापे डरे ने, लेकिन फिलहाल दसना चाहवांगे कि स्कूल नूं अज खोलिया गया है, तो स्कूल नूं
अगर बंद किया जाता तो यकीनन बहुत सारिया गल्लां जानियां सी, क्योंकि कल पुलिस वालों उत्थे विशेष चैकिंग भी की गई सी। और अज जिहड़ा है तुसीं वेख सकदे हो कि मापे अपने बच्चों छड्डन आ रहे हैं, तो बच्चे जिहड़े ने विद्या दे इस मंदिर दे विच तुसीं दिखावांगे किस तरीके दे नाल बच्चे आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की जिहड़ी हमलावर होण दी गल कीती गई सी और दो पोस्टां जिहड़ियां वायरल होईयां सी उहने बहुत सारा डर लोकां दे अंदर पैदा किया, तो उस डर नूं खत्म करन वास्ते अज पुलिस तैनात की गई है। पुलिस के अधिकारी मौजूद ने। हाँ जी सर, अज इत्थे क्यों आए जी? उन्हें सानूं ड्यूटी लाई गई आ सवेरे 5 बजे कि इत्थे धमकी दित्ती गई आ। हाँ जी, उस करके स्वैट टीम लाई गई है। हाँ जी, स्वैट टीम विशेष लाई गई? हाँ जी, स्पैशल आई गई। धमकी की आई सी? पता नहीं, हम फोन पर इन्होंने कोई मैसेज आया प्रिंसीपल नूं, वो करके स्वैट टीम के नाल स्कॉर्पियो गाड़ी बुलेट प्रूफ लगी। पक्की इतने लाती है जी? हाँ जी, अजय अगले हुक्म तक इतने रहोंगे जी। तुम दिखा रहे हैं कि अगले हुक्म तक जी है इतने सुरक्षा जी है तैनात की गई है, वो तस्वीर असं तुम साझी कर रहे हैं। तुम वेख सकते हो कि मापे जे ने अपने बच्चों स्कूल छड्डन वास्ते आ रहे हैं। जिस तरीके कल जी घटना हुई सी, जिस तरीके वायरल हुई सी पोस्ट, तो उस तो बाद जरा है डर का माहौल जरूर नज़र आ रहा है। तो बच्चे जड़े ने इस वेले स्कूल के आते नज़र आए। स्कूल बंद नहीं किया गया, चंगी चीज़ है वह कि स्कूल बंद नहीं किया गया। अगर स्कूल बंद किया जाता तो बहुत सारे सवाल खड़े होने सी कि आखिरकार स्कूल बंद क्यों किया गया। लेकिन एक दलेरी की मिसाल देंदे हुए स्कूल खोलिया गया है, तो ये एक चंगी चीज़ है, क्योंकि अक्सर जदों इस तरह की कोई घटनावां होंदिया ने या इस तरह की कोई थ्रैट आती है तो स्कूल बंद कर दिया जाता है। लेकिन इत्थे स्कूल बंद ना करके बल्कि उस चीज़ नूं खत्म करन दा एक सुनेहा दिता गया। तो बच्चे स्कूलों के आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो तुसीं वेख सकते हो कि अंदर भी असीं तुहानूं कैमरा जूम करके दिखावांगे कि जिथे स्कूल की टीचर्स ने वो भी खलोतियां ने, वो बकायदा तौर के उत्ते जिहड़े जिहड़े बच्चे स्कूल च आ रहे ने उन्होंने आइडेंटिफाइड किया जा रहा है। आइडेंटिफाइड किया जा रहा है कि बच्चे उन्होंने क्लास के ने, क्योंकि जिस तरह किया गया सी कि स्कूल के विच फायरिंग की जाएगी, तो अगर इस तरह की गल सामने आती है तो यकीनन है कि वो स्कूल का बच्चा ही होगा। तो इस तरह की गल की गई थी, लेकिन हुण सुरक्षा के कड़े इंतजाम हेठ स्कूल जरा है खोलिया गया है। स्कूल खोलन दी मुख वजह सी कि जेडे लोग डरे ने उन्होंने अंदर एक हिम्मत पैदा की जाए कि डरन की लोड़ नहीं, पुलिस तैयार है। तो पुलिस के नाल स्कूल प्रशासन भी तैयार है। तो तस्वीर तुम असी DAV पब्लिक स्कूल दियाँ साझिया कर रहे हैं अमृतसर तो, और तुम दसना चाहवागे कि एक थ्रैट कॉल जी सी आई सी, तो उस तो बाद थ्रैट कॉल तो बाद जड़ा है ये हूँ सामने असी दिखा रहे हैं कि स्वैट टीम पंजाब पुलिस की जी सब तो जे अक्सर जो कोई वड्डे ऑपरेशन होंगे ने तो उन्होंने जोड़ा है काम करती है, तो उस स्वैट टीम अज इतें तैनात किया गया है। तो DAV पब्लिक स्कूल की तुम असी सूरत हाल दिखाया कि प्रेयर भी शुरू हो चुकी है, मापे भी पहुँच रहे हैं क्योंकि डर जरूर सीगा। तो अज जिस तरीके दे नाल स्कूल दे विच जिस तरह चिट्ठी आई सी तो उसनू लैके जिहड़ी सुरक्षा प्रबंध कड़े किए गए ने। कल कुछ मापे मौजूद ने जिहड़े कि अज बच्चों छड्डन वास्ते आए ने। सर, जिस तरीके नाल मैसेज वायरल होया सी तो उस तो बाद अज की कहना चाहते? देखो सर, राती 9:30 बजे एक मैसेज आया कि कल बच्चे स्कूल ना भेजो, तो मैसेज दे नाल काफ़ी डिसअपॉइंटेड होए हैं। तो बिल्कुल प्लैन चेंज करता सी कि बच्चे कल स्कूल नहीं भेजने, मन अंदरों काफ़ी डर गया सी। पर फिर सवेरे एक मैसेज आया कि ये फेक है, फिर एक बार मन पक्का किया है तो स्कूल आए हैं, आके देखते पे हैं किस तरह का माहौल है किस तरह है। पर बड़ा अच्छा पॉजिटिव पेरेंट्स बैठे ने, सब हैगे ने कोल, उन्होंने कहा वह कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक फेक मैसेज सी, ट्रेस हो चुका वह, तो बाकी ठीक है। मुकाबला कर सकती है। और सब तो वड्डी गल इत्थे स्कूल दी सामने नजर आती है कि स्कूल ने अगर बंद ना किया तो यह एक दलेरी की मिसाल दी है। तो तुम देख सकते हो कि स्टाफ जो है इस वे बाहर खड़ा है, बाहर इस करके खड़ा है कि
वो अपने बच्चे आइडेंटिफाइड कर रहे हैं। लेकिन सब तो बड़ा रोल इन्हां पुलिस जवानों का है, जिहड़े जवान इस वेले तुसीं स्वैट टीम दे जिहड़े देख रहे हो वो खड़े ने, तो पूरी तैयारी है उन्हां दी। अगर किसी तरह की कोई भी घटना वापरती है तो उसका मुकाबला करने वास्ते तैयार बैठी है पुलिस। तो ये तस्वीर असीं तुहानूं सांझी कर रहे हैं लगातार। तुहानूं दसना चाहवांगे कि स्कूल नूं लैके बहुत सारा पैनिक क्रिएट होया सी, तो उस तो बाद कुछ मापे भी डरे सन। तो तुहानूं दस्सिया कि कुछ मापिआं नाल भी गलबात की, तो उन्होंने कहा कि असीं पहला सोचा सी कि अपने बच्चे नूं स्कूल नहीं भेजांगे, लेकिन उस तो बाद जड़ा है आज असी अपने बच्चों नूं स्कूल दे विच भेज रहे हैं। कुछ होर पेरेंट्स मौजूद ने, असी उन्हां नाल गलबात करांगे कि सर तुसी आ जाए की कहना चाहते। नहीं सर, वो ग्रुप दे विच मैसेज पिया वा, पर मैसेज नूं वेख के लगदा वी फेक मैसेज हैगा। ते वेखो इहो जिहियां ताकतां नूं जे असी आप ही बल देवांगे, अपने बच्चे नहीं भेजांगे ते किस तरह गड्डी चलेगी। स्कूल साडे नाल है, वेखो सिक्योरिटी प्रशासन पुलिस सारी नाल है, ते कोई इहो जी गल नहीं। यह थोड़ा किसी ने जो किया वो करके तो आएगा, तो उन्होंने रोकना भी तो चाहिए कि नहीं, साड़ी मॉरल ड्यूटी है। सब अपनी मॉरल ड्यूटी समझ के बच्चे भेजिए। हाँ जी जरूर, समय मेरा बच्चा कहना मैं जाना ही जाना जो मर्जी हुई। हाँ ठीक है। नहीं सर, यह तो अफवाह हम देखो ना, लोगों भी चाहिए भी यह अफवाह बहुत ना करन। ठीक है, एक होया किसी ने करता वा तो उन्हों प्रशासन को कहता गया वा, तो प्रशासन पूरी मुस्तैदी नाल तैनात है इतने, रात के तैनात है मेरे ख्याल। कर रहे लगातार जड़ियां ने अमृतसर दियां ने, तुसी वेख सकदे हो कि बच्चों नूं छड्डण वास्ते आ जा रहा है। कुछ होर एक मिनट बच्चे नाल गलबात करांगे। हाँ जी की कहना चाहोगे मैडम, तुसी स्कूल आए हो की कहोगे? हमारे ग्रुप्स में कुछ नहीं आया, बस इंस्टाग्राम थ्रू सर्कुलेट हुआ है, वो ऑब्वियसली पता है कि फेक ही है। चंगी चंगा सुने हा। शौर्या सर, पता नहीं अभी तो क्लास में जाऊंगा, पूछूंगा किससे। सर थोड़ा बहुत तो है, पर ऐसे कोई बात नहीं, इतना बड़ा स्कूल है, सारे बच्चे आए हैं, देख लेते कौन कौन आया है। हाँ जी है, देख लेंगे। एक बार पैनिक क्रिएट हुआ था, मैंने अपनी फोर्सेस पे पूरा विश्वास है। तो वो तस्वीर तुहानू सांझी कर रहे हैं कि किस तरीके दे नाल बच्चे भी कह रहे हैं कि असी आए हैं स्कूल च। कुछ होर जवाकों नाल गलबात करने की कोशिश करांगे। सर स्कूल आए हो की कहना चाहोगे? तो बच्चे भी जिहड़े ने हिम्मत दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, तस्वीर तुहानू सांझियां कीते। कुछ बच्चों ने भी गलबात की है, तो उन्होंने कहा कि असी जिहड़ा है हिम्मत दिखाई है। स्कूल दी तस्वीर दिखा रहे हैं तुहानू इस वेले किस तरीके का माहौल जिहड़ा इस वेले अमृतसर के डी ए वी पब्लिक स्कूल का है, तुहानू सांझे कर रहे हैं। तो पहली बार स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हुण बाहर आ रहा है, तो स्कूल के प्रिंसीपल जिहड़े ने इस वेले बाहर आ रहे हैं, तो कड़े सुरक्षा प्रबंधा हेठ स्कूल खोलिया गया है। तो प्रिंसीपल जिहड़े स्कूल दे ने उन्हां नाल गलबात करांगे। मैडम लास्ट नाइट एक शॉकिंग सामने आया सी, की कहना? जी सर, पहले तो मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन के उन्होंने हमारे अंदर फेथ रखा है, ट्रस्ट रखा है, क्योंकि थ्रू आउट आई डोंट नो ये किसने और कैसे अफवाह फैलाई है, इट वाज कम्प्लीटली होक्स। और जब हमें ये पता चला कि ये फॉल्स न्यूज़ है, देन वी केम टू द कंक्लूजन नो एवरीथिंग इज़ सेफ एंड आर स्टूडेंट शुड कम टू स्कूल, लेट देम फील नॉर्मल। एंड सबसे पहले मैं आई वुड लाइक टू थैंक आर MLA सर कुंवर विजय प्रताप जी, वो रात को 12 बजे भी यहाँ पे आए थे, अपना पूरा स्कूल का देख के गए हैं, सबसे बात करके गए हैं। द कमिश्नर ऑफ पुलिस अरुण पाल सिंह जी जो कॉन्स्टेंटली टच में रहे, एंड ही वॉज टॉकिंग टू मी ऑल्सो एंड टू हिज फोर्स ऑल्सो, आई के नॉट मिस आउट इवन द डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर परमिंदर सिंह बंडाल जी एंड ADCP प्रबोध सिंह विर्क जी, देन ACP गुरिंदर बीर सिंह सिद्धू जी, ACP वीरेंद्र कुमार जी, SHO सिविल लाइंस अमोलक दीप सिंह जी, इनका मैं इसलिए शुक्रिया करना चाहती हूँ क्योंकि रात को 1-2 बजे तक भी दे वर विद मी इन कॉन्स्टेंट टच। एंड सर देखिए ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है जो उन्होंने मेरे साथ भी नहीं शेयर किया है, बस उन्होंने इतना बताया कि इट इज़ अ फॉल्स न्यूज़, एवरीथिंग हैज़ बीन इन्वेस्टिगेटेड। जैसे ही हमें इसे मॉर्निंग में ये मैसेज कहीं फ्लोट हुआ और हमें पता चला स्टाफ के
के थ्रू कि मैम ये मैसेज फ्लोट हो रहा है, इमीडिएटली हमने अपनी कंप्लेंट फाइल कर दी थी प्रोटेक्शन के लिए, पेट्रोलिंग के लिए, एंड इमीडिएटली हमारा स्टाफ जो है पर्सनली जाके भी पुलिस फोर्सेस से मिल के आया, उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया, स्कूल में आ गए, उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन की कि क्या ये मैसेज है, एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने चाहे साइबर ब्यूरो में जहाँ से भी, बट इट इज़ द कॉन्फिडेंशियल मैटर. यस जी. आइडेंटिफाइड और नॉट, इवन इफ इट्स आइडेंटिफाइड इट्स नॉट विद मी, बिकॉज इट इज़ आपको पता ही है पुलिस जब तक कि वो पूरा डेप्थ तक नहीं पहुंच जाती है दे विल नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग. स्कूल के बच्चे निकलते हैं तो उन पे कार्रवाई होगी? डेफिनेटली नहीं, डेफिनेटली स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन, क्योंकि बच्चों को ये लेसन जाना चाहिए कि ये एक मजाक नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बच्चों के हाथ में टेक्नोलॉजी आ तो गई है बट उनको उसका यूजेज नहीं पता है, वो बहुत मिसयूज़ होते हैं. हम तो यहाँ पे हमारे वी हैव आर आईटी डिपार्टमेंट जो बच्चों को वीडियोज़ दिखाते रहते हैं व्हाट इज़ साइबर क्राइम एट्सेट्रा, ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं समझते हैं. दैट्स वाई रिक्वेस्ट द पेरेंट्स रिपीटेडली. मैंने अभी ही कुछ दिन पहले ही एक पेरेंट्स को मोबाइल एटिकेट्स के टिप्स भी भेजे थे थ्रू आर टीचर्स कि आपके बच्चे के जब भी वो यूज़ कर रहा होता है आपको पता होना चाहिए कि वो क्या यूज़ कर रहा है, किस लिए यूज़ कर रहा है, एंड स्पेशली आफ्टर 8-9 o'clock द फोन शुड कम इन द हैंड ऑफ द पेरेंट्स, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑफलाइन एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई द चिल्ड्रन आर स्टिल हैविंग द फोन्स इन द हैंड्स. जी जी हाँ जी, डेफिनेटली वी आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट एनी दैट इज नॉट टू बी स्पेयर्ड. और अभी आप में से किसी ने पूछा, एक्शन तो लिया जाएगा बिकॉज इट वॉज नॉट एंड दिस इज स्ट्रॉन्गली गोइंग टू बी अ लेसन इवन फॉर अदर चिल्ड्रन कि अगर उनको ये चीज़ का पता नहीं है, बिकॉज सी द चिल्ड्रन स्टिल आर इनोसेंट, वो मजाक में कर जाते हैं. आई कैनॉट कॉल देम नोटोरियस, दे आर नॉटी, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोटोरियस एंड नॉटी. उनको ये नहीं पता है कि उनकी मजाक में वो कोई क्रिमिनल एक्ट कर रही हैं. जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद दैट एंड वी आर गोइंग टू टेक, अगर हमारे गॉड फॉरबिड अगर हमारे बच्चे कहीं इन्वॉल्व हुए डेफिनेटली अ स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दैट. सर द चिल्ड्रन आर कमिंग, जैसे पेरेंट्स को पता चल रहा है, आपने खुद भी देखा होगा कि वो आ रहे हैं, द पेरेंट्स आर इवन सिटिंग एट द रिसेप्शन दैट मैम वी आर विद यू. तभी मैं कहती हूँ कि वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द पेरेंट्स जिन्होंने हमारे अंदर ट्रस्ट किया है, एंड आई वुड कॉल आर चिल्ड्रन द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ डी ए वी के जिन्होंने कहा नो वी आर डी एवियंस एंड वील गो देयर. सर वी हैव द स्निफर डॉग्स, पहले तो मैंने वही आपको कहा आर मोर मोस्ट रेवर्ड यू नो एम एल ए कुंवर विजय प्रताप जी और डिप्टी आई मीन कमिश्नर ऑफ पुलिस अरुण पाल जी, उन्होंने नहीं दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू, उन्होंने पूरा का पूरा उसी टाइम इमीडिएटली उन्होंने अपना स्क्वाड बॉम्ब स्क्वाड एंड अपना दूसरा कमांडो फोर्स सबको लगा दिया था, द स्नाइपर्स एज वेल एज आप अभी भी अंदर देखेंगे पुलिस बैठी हुई है, बट हमने ये इस हिसाब से वो लोग बैठे हैं कि बच्चों में कोई एक डर ना आए किसी भी ढंग से. आर नॉर्मल क्लासेस आर गोइंग ऑन. जी यस डेफिनेटली, सी फॉर अस द सिक्योरिटी इज going to be one is that barricading that entire staff who's free, they are on the doors on the main gates and they are standing in the areas also, otherwise hamare gates to band hai, theek hai, and we just opened it for you so that you could feel that the school is open. Do you think school is safe for the 100% safe? सी सेफ्टी ऑफ आर चिल्ड्रन इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड जो ये डिसीजन भी हुआ है रात को 1 बजे ये डिसीजन हुआ कि एवरी थिंग इज़ सेफ, इट वॉज ऑल होक्स, क्योंकि जब तक उन लोगों ने पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लिया तब तक वी वर नॉट टेकिंग एनी डिसीजन, एंड दैट इज़ वेन वी रियलाइज दैट वी डोंट नीड टू क्लोज द स्कूल, एवरी थिंग इज़ सेफ, आर टीचर्स ऑल 100% स्टाफ इज हियर, आर स्टूडेंट्स ऑल्सो कमिंग, जो पेरेंट्स को ट्रस्ट है फेथ है उन्होंने इमीडिएटली भेज दिया. आई कैन अंडरस्टैंड द पेरेंट्स एंगजाइटी एंड द फियर फैक्टर ऑल्सो, तो वी हैव नथिंग अगेंस्ट दैट. ठीक है, एक दिन अगर उनको लगा कि नहीं वी नीड टू सी दैट एवरीथिंग इज सेफ, दे आर वेलकम फॉर दैट, बट अदरवाइज एवरीथिंग इज नॉर्मल. बट वन मोर थिंग बिफोर आई एंड, आई वांट टू थैंक आर प्रेसिडेंट सर, आर पद्मश्री ऑनरेबल पूनम सूरी जी, आर डायरेक्टर सर जेपी शूर जी, एंड देन आर रीजनल ऑफिसर कामरा मैम एंड आर मैनेजर मैम डॉक्टर पुष्पिंदर वालिया, क्योंकि ये क्या बोलते पुष्पिंदर वालिया मैम एंड आर ओ मैम हमारे नीलम कामरा मैम वो तो रात को मेरे साथ ही यहाँ पे थे, दैट दिस इज यू नो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो खुद पूरा यहाँ पे देख के गए हैं दोनों आके दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड देन वी डिसाइडेड टू कीप द स्कूल ओपन. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਪੁਲ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਵਾਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਵੈਟ ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ
वह भी खलोतिया ने तो स्वैट टीम के नाल स्कूल का स्टाफ जरा है इस वेले भी सारा मौजूद है। तो स्कूल उन्होंने कहा कि खोल के असी यह सुनेहा दिता कि असी डरन वाले नहीं हाँ, जिस तरह की भी यह कॉल से धमकी भरा फोन से असी उसके खिलाफ हाँ, तो उसके खिलाफ आके असी सारे इकट्ठे होके इतने सुनेहा दे रहे हैं। लेकिन वड्डा सवाल फिर पूछना चाहवांगे कि आखिरकार बच्चे इस तरह क्यों करते हैं? अगर किसी बच्चे की इनवॉल्वमेंट है तो एक कितना कितने एक नवा चीज़ देने की कोशिश की गई। तो फिलहाल स्कूल प्रशासन वालों भी इस मामले से जवाब दिता गया है, तो उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने स्कूल का भी कोई बच्चा होएगा तो कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बीती रात पुलिस अधिकारियों ने फोन पर गलबात हुई थी तो उन्होंने कहा कि बच्चे कुछ बंदे जोड़े ने आइडेंटीफाइड किए गए हैं जिन्होंने कि इस कॉल को फैलाया से, तो उस मामले के कार्रवाई की जा रही है। तो स्कूल में पूरा बम स्क्वैड के नाल जरा है उड़ान की जी धमकी दी गई थी, तो उस बाद स्निफर डॉग्स भी इतने आए, तो उस तो बाद जरा है इनू जरा है बिल्कुल चैकिंग की गई है। तो फिलहाल उन्होंने सेफ स्कूल के नाम के उत्ते डीएवी पब्लिक स्कूल अच खुला है, लोगों से डर है, गिनती जरूर घट है, लेकिन स्कूल खुल के अज कड़े सुरक्षा प्रबंधा हेठ खुलता हो नज़र आया है। कैमरामैन अजय समित खन्ना, ग्रेट पंजाब टीवी, अमृतसर।